लेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मैच लेंगे टू पॉइंट जीरो हम ले लेंगे इसका टू वन जै टू 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 ज़ा फोर यानी कि टू मोल्स हो गए हाइड्रोजन के टू मोल्स की बात हो रही है एंड देन नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर लेते हैं कि 56 ग्राम है और इसका जो मालिकुलर मैस आ जाता है आपके पास वो है 28 ग्राम तो स्टूडेंट्स इसका जो मालिकुलर मैस है वो यहाँ पे 28 ग्राम पर मोल है और जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो टू मोल्स हो जाएंगे सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे यानी कि ए इक्वल टू अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलिकुलर थेरी ऑफ गैसेज द मोलिकुलर कलेजन आर इलास्टिक सच कलेजन कॉज नो एनर्जी चेंज बी अ स्मॉल एनर्जी चेंज अ हाई एनर्जी चेंज ऑफ न तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब हम बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक तो उसका मतलब ये होता है कि उनके कुलजन्स के अक्रॉस कोई एनर्जी चेंज नहीं आता यानी कि ऑप्शन नंबर ए देन मूविंग फॉरवर्ड वट वॉल्यूम वुड वन मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाइड एस टी पी तो स्टूडेंट्स हमें पता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डेस्टीमीटर क्यू दट इज बी अकॉर्डिंग टू ग्रह लॉ ऑफ डिफ्यूजन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज द रेश तो स्टूडेंट्स अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एम ओ टू डिडेड बाय एच टू मोलर मैस को हम लिख लेंगे इसके ऑक्सीजन का है हमारे पास थर्टी टू डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का है टू टू वन ज टू टू सिक्सटीन ज थर्टी टू अंडर रूट करेंगे सिक्सटीन का हमारे पास फोर आंसर आएगा यानी कि फोर इज़ टू वन सी इज़ द राइट वन देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड नंबर सेवन है डीप सी डाइवर्स टैंक कंटेन्स नाइन्टी सिक्स परसेंट हीलियम प्लस फोर परसेंट ऑक्सीजन फोर परसेंट नाइट्रोजन प्लस सिक्स नाइनटी सिक्स परसेंट ऑक्सीजन देन फिफ्टी परसेंट नाइट्रोजन एंड फिफ्टी परसेंट ऑक्सीजन नन ऑफ दिस तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इनर्ट गैस का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है दैट इज़ ए दे स्टूडेंट्स मूविंग फॉर्वर्ड इन ऐसा यूनिट्स द वैल्यू ऑफ आर इज एट पॉइंट थ्री फोर वन थ्री पर न्यूटन मीटर पर कैलविन पर मोल देन आ जाता है बी एट पॉइंट थ्री वन फोर थ्री देन जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यह जो जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन वाली वैल्यू है ये एस टी पी कंडीशन पर होती है ए रॉन्ग है जो बी है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है देन स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कनेटिक मोलिकुलर थेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ व्हेन दे आर मिक्स विद वन एंड अदर मॉिक्यूल्स एट लो टेम्परेचर फ्रोज़न इनटू सॉलिड आर कंडेंस्ड इनटू सॉलिड आर मेटी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट यानी कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कब ज्यादा होगी जब वो अपनी स्टेट चेंज करेंगे फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट दैट इज डी वुड बी द राइट वन दैन विच गैस इज़ मोर आइडियल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में मैंशन की थी कि वो गैस या वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज़ और मॉलिक्यूलर मास कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स उनके लिए जो उनके कॉन्सटेंट्स होते हैं अट्रैक्शन कोफिशेंट और बी एफेक्टिव कोफिशियंट जो होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का जो कोफिशियंट होता है उसकी वैल्यूज़ भी कम होती हैं यानी कि वो उतनी ज़्यादा आइडियलिटी की तरफ जा रही होती हैं तो इन सब में अगर आप कंपेयर करें तो हाइड्रोजन वुड बी मोर आइडियल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर उसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं ऑन हीटिंग डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सब्लिमेशन में डायरेक्ट कन्वर्जन होती है सॉलिड की गैस के अंदर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिकल्स द मोस्ट डिसऑर्डर्ड यानी कि ए वाटर है यानी कि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ डिसऑर्डर्ड होते हैं बी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इम प्योर वाटर वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस ऑर्डर होता है तो बी वुड बी द राइट वन देन स्टूडेंट्स वैन स्टीम कंडेंसिस द पार्टिकल्स श्रिंक टू स्मॉलर साइज लूज एनर्जी टू द सराउंडिंग मूव फर्दर अपार्ट वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजिशन तो स्टूडेंट्स याद रखेगा कि जब भी कोई भी स्टीम कंडेंस कर रही होती है यानी कि वेपर्स कंडेंस कर रहे होते हैं वाटर वेपर्स स्पेशली तो वो इन अपनी एनर्जी सराउंडिंग जो एनर्जी गेन करके वो लिक्विड फॉर्म से अपनी वेपर फॉर्म में जाते हैं वो एनर्जी जब वो लूज करते हैं तब वो वापस अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं यानी कि तब वो कंडेंस होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दे लूज देयर एनर्जी टू द सराउंडिंग्स नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ओनली मूविंग आउटवर्ड्स इन डायरेक्शन बी वाइब्रेटिंग अबाउट डिफाइंड पोजीशन राइजिंग अपवर्ड मूविंग रैंडमली तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि गैस मॉलिक्यूल्स हैप हेज एड मूवमेंट करते हैं क्योर्टिक होते हैं देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है विच ऑफ दिस चेंजेस वुड स्पीड अप द रेट ऑफ डिफ्यूजन द मोस्ट तो ए है मैस ऑफ पार्टिकल डिक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होंगी देन बी है डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ देन मैस ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर ऑफ़ सराउंडिंग विल इंक्रीज देन डी है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का रिलेशनशिप तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा मैस कम होगा किसी भी गैस का उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसका उतना ही ज़्यादा उसकी जो रेट ऑफ़ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होगा यानी कि बी आपका ऑप्शन है बी वुड बी द राइट वन देन स्टूडेंट्स है नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग गैस हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी एट रूम कंडीशन सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी किसकी है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जिसका मोलिकुलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है आपस में तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो मैथ कंपेयर करें तो अमोनिया का सबसे कम है अमोनिया का सबसे कम है दैट इज सेवेंटीन ग्राम पर मोल It would be the right one. Then, students, which statements provide the best evidence that matter may exist at tiny particles moving at random motion? A. Many elements conduct electricity. B. Air can be readily compressed a small. वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस लार्जर वॉल्यूम ऑफ स्टील इफ अ वॉर ऑफ इथर इज ओपन द स्मेल इज क्विकली डिटेक्ट इन ऑल पार्ट ऑफ द रूम तो स्टूडेंट्स रैडम मोशन यानी कि डिफ्यूजन को ऑप्शन डी ज्यादा अच्छे तरीके से एविडेंट कर रही है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोविंग इज एन एक्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन बबल्स राइजिंग इन अ बीकर ऑफ बॉइयलिंग वाटर बी है स्टीम कंडेंसिंग ऑन अ कोल्ड विंडो सी है वॉटर स्प्रेडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबल द स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल्स ऑफ फ्लावर इन अ गार्डन यानी कि डी वुड बी द राइट वन ये एक्जाम्पल ए परफेक्ट डिफ्यूजन की डिस्कस भी की थी देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाई द कंपाउंड्स प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज एट द सेम रेट दे आर बोथ गैसेज दिस कंटेन कार्बन बोथ कंटेन्स कार्बन दे हैव द रिलेटिव सेम मोलिकुलर मैस बहुत है डेंसटी ने तो स्टूडेंट्स अगर आप इनका मॉलिक्यूलर मास कंपेयर करें तो दोनों का सेम है तकरीबन इस वजह से दे डिफ्यूज़ दे विल डिफ्यूज एट द सेम रेट